Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So this is the last vlog of 2021, जो कि आप लोग 2022 में देखने वाले हैं. So yeah, चलो without any further ado and wasting time, आज का vlog start करते हैं. And मैं कुछ 2021 के last glimpse में आप लोगों से share करना चाहती हूँ, like कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे वो. And 2022 को बहुत ही fresh vlog आने वाला है. So चलो पहले वो आप लोगों से share कर देते हैं. And आज क्या क्या होता है वो आप लोग को बताएंगे एंड दिखाएंगे. सो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. सो मम्मी अभी बनाएगी लंके का अचार. मम्मी ने मसाला रेडी कर दिया. मम्मी से वो पूछ लेते हैं कि वो कैसे बनाती है. तो चलो हमारी किचन में दिखाते हैं कि मम्मी कैसे बनाती है लंके का अचार. तो चलो बताओ इसमें क्या क्या डाला है. राई है, सौंफ है, धनिया है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी है, नमक है, आमचूर है, सरसों तेल से इसको हम मिला रहे. एंड ये देखो मोटे मोटे लंका. अब इसमें बाबा हेवी झाल होगा. इसको छुरी से चीर के भरेंगे इसमें. ठीक है दिखाना. तब भर के तेल डाल के आज पहले अच्छे से इसको मिलाना है. फिर हम पहले थोड़ा टेस्ट करते हैं. ना 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 झाल 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 नहीं है भाई. देखो आज खा के थोड़ा सा टेस्ट कर दे कैसा है इसका टेस्ट. कैसे नमक ठीक है. नमक ठीक है. बाबा टॉप. हाँ तो इसमें इसमें इसके इसमें भरने के बाद जब ये सब टम खट्टा वट्टा सब टाल तो चटपटा होगा. ज़्यादा अच्छा होगा. अपना नाम बहुत अच्छे पहचाना थे. और भी नमक दे रही है. नमक जितना ज्यादा होगा उतना बहुत दिन तक लंका अच्छा रहता है. मतलब सॉरी अचार अच्छा रहता है. लंका नहीं अचार. अचार में जितना नमक होगा उतने ज्यादा दिन तक अच्छे से रहेगा. ये मैंने सीखा है बैरिस्टर बाबू से. हाँ वहाँ पर छोटी सी बोंदिता बोलती है अपने पति बाबू को कि नमक जितना ज्यादा देंगे उतना ही अच्छे से अचार रहेगा. और मम्मी आज नया क्या लेके आई है वो भी आप लोग को कुछ देर बाद शेयर करेंगे. मतलब ये सब डिमांड्स मेरा रहता है कि सब ये सब चाहिए. तो क्या है वो अभी देखते रहो दिखाते हैं थोड़ी देर में. आई गलू स्वीट हम लोग बहुत कुछ लाए हैं. बजरंग बली का झंडा लाए हैं. सच बजरंग बली का झंडा. बजरंग बली का झंडा ठीक है दिखे. गोपाल के चाटो कपड़ा लाए बहुत सुंदर. और मेरे लिए गोपाल के से. और मेरे लिए क्यों लाए. तुम तो लेते रहते तो ग्लव्स पहन लो हाथ जलेगा. ना खा के दिखाओ. खा के दिखाओ सबको. नहीं नहीं खा के दिखाओ सबको. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. ना ना हुई कल हम वो लाए संख चक्र लाए शंख लाए विष्णु जी को चक्र लाए. तुम भगवान को ही लात रहो. अब मम्मी बोले कि भगवान को देते हैं इसलिए भगवान इतना दिए हैं. हाँ भगवान को ही तो दिया हुआ है सब कुछ है हमारे पास. वो तो है ही. मम्मी पापा को मेरा क्या बोलने से प्रॉब्लम है. हाय गाइस. पापा उस दिन मेरा व्लॉग देख रहे थे बोलते ये लड़की हमेशा इतने इंग्लिश बोलती रहती है. हाई गाइस हाई गाइस जिसका हाई गाइस कौन समझेगा. हम सुन रहे थे इस घर पे वीडियो कर रहे थे. हम सुन रहे थे कब क्या बोल रहे थे.
अरे देखो सब चीज का ही तो ये होता है ना, सब लोग ही बोलते हैं, हम अकेले थोड़ी ना बोलते हैं। पापा को कौन समझाए? ओ माय गॉड, माँ लंकर ওইটা বের করো, লোকে পাগল হয়ে যাবে খাইলে। না না তো ফির টেস্ট নাই লাগে না। हम ऐसे भर के रख। ओ माय गॉड, सावधान से, इसमें मेरे हाथ कटते कटते बचा था उसमें। ये सब छोटी छोटी चीज मतलब बहुत देखने में ये लगता है मगर खाने में बहुत टेस्टी होता है। नरम हो जाएगा धूप में, अभी धूप तो निकल भी नहीं रहा है उतना खास। नहीं हो जाएगा, मिर्चा में टाइम इसको सिर्फ तेल में लग गलाना है, इसमें कोई पानी नहीं कुछ नहीं, सिर्फ तेल। जो लोग निरामिष खाना खाते ना वो लोग ऐसा में ही मन जाते, ये बना ले ये वो अचार बना ले वो निरामिष चीज बना ले। तुम बोलो तुम आगे कभी नहीं आछो पार्लर, तुम्हारे जो बसे आछे आमार कोनो पार्टनर नहीं तुम्हें छाड़ा। हाँ मेरा कोई पार्टनर नहीं, मम्मी जाती है पार्लर, मुझे बहुत मजा आता है। बैठा के रख देती है 2-3 घंटा। कितना घंटा? 2-3 घंटे। जब हेयर स्मूथनिंग होता तब कितना? तब तो पूरा दिन, तब सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो। सब हमको ले जाना पड़ता टिफिन वगैरह बैग बैग सब रेडी करके, बिस्किट ऐसे पानी, अपना तो बैठी रहेगी शैम्पू करके। क्या बोलो? हाय गाइस, ए दादू को बोल के, दादू को बोल के हाय गाइस, दादू को बोल के आ जाओ। हाय गाइस, मैं फलो। ओ बाबा, वेरी गुड, तो ठीक है मम्मी को ये करने दो, तब तक दिखाते हैं कि मम्मी क्या लेके आई है। तो चलो दिखाते हैं मम्मी, आज को एक बाइट, एक बाइट खिलाओ, तो एक बाइट खिलाओ, खाओ। हेलो सालो रसगुल्ला है। सो अभी आप लोगों के साथ जो क्लिप शेयर करने वाले हैं वो है मेला का, पौष मेला जो बैठा था शकुंतला में। भाभी के घर गए थे हम लोग, तो वहाँ से सोचा कि जाके थोड़ा मेला घूम के आते हैं। सो चलो मेला का क्लिप्स देखो, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ छोटा मोटा ही मेला था। सो चलो वो क्लिप्स देखो। দাদু ছোনা নিন 10 টাকায়, হাতি নিন 10 টাকায়, ঘোড়া নিন 10 টাকায়, যেটাই নিন সতেরো জিনিস 10 টাকা 10 টাকা। Thank you.
ये रहा नया हमारा वो पैन, बिकॉज मुझे नॉन स्टिक सब चीज़ का बहुत शौक है। सो ये रहा, ये मिल्टन का है, नॉन स्टिक सबके पास ही होता है, सबके पास नहीं भी होता है। सो हम लोग लेके आए हैं ये नया, सो हम लविंग इट। इसमें देखते कुछ बनाएंगे, डोसा वोसा बहुत कुछ बन जाएगा होपफुली। सर ये है, एंड यहाँ पे मम्मी अभी भी काट रही है, जार में रख रही है, बहुत टाइम लगने वाला है। मम्मी बोल रही थी लंका काटवाना, नहीं मेरे को नहीं काटना, मेरा हाथ जलेगा। इतना तो की माना बो की माना बो, इतना तो इसमें सीमा ही बना तो तेरी। अरे गोपाल को ओ ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2021 व्लॉग। आई नो ये व्लॉग थोड़ा हैपजिट टाइप का था, बट कल बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नए साल में विथ नया व्लॉग। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। आई लव यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय।